हेलो दोस्तों, टी स्पैट पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक चाइना कंपनी का मोबाइल आया है और इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है। एक मॉडल किसी टेक्नीशियन के पास गया था, उन्होंने बताया कि कोई आईसी का प्रॉब्लम है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है फटाफट। ये हम सिम इसको सिम डालेंगे। तो अभी ये ओपन हो रहा है। देखिए इसमें प्रॉब्लम आईसी का नहीं होता, आईसी का प्रॉब्लम होता है तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें यही कंटिन्यू बताता रहता है कि सर्च कर रहा है, हमेशा यही प्रॉब्लम बनी रहती है, बाकी इसमें नेटवर्क नहीं सर्च होते। अब आपातकालीन बता रहा है। चलिए हम इसको देखते हैं ओपन करके इसमें क्या प्रॉब्लम है, फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस मोबाइल को ओपन कर लिया है और अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों एक बात बताना भूल गया, उन्होंने कस्टमर ने बताया है कि मैंने किसी टेक्नीशियन के पास दिखाया था तो इसमें कोई आईसी की प्रॉब्लम है उन्होंने बताया है। चलिए हम देखते हैं। देखिए इसमें कुछ काम हुआ है, अब यहाँ का जो पत्ती नहीं है वो भी है नहीं है और इसमें कुछ पेस्ट लगा हुआ है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें कुछ है, काम हुआ है। तो अभी हम देखते हैं इसका जो GSM पॉइंट है उस पर कोई रीडिंग हमारी है या नहीं है। तो चलिए हम अपने मल्टीमीटर को लगाते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे और देखिए हमारा मीटर अभी ऑन स्थिति पर है। तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके GSM पॉइंट पर लगाने पर कोई रीडिंग नहीं है, कोई नहीं बता रहा है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्टेप बाय स्टेप को चेक करेंगे। देखिए जो हमारा एक ग्राउंड का पॉइंट होता है, हमारा ग्राउंड से अटैच होता है और ये हमारा GSM पॉइंट है जो हमारा आईसी से, जो हमारी या सिग्नल आईसी से रिलीज होता है पॉइंट, तो तब हमारा जा कहीं सिग्नल आता है। तो देखिए इससे कोई मेल नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, ना कोई रीडिंग है। तो हम अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने इसमें काम किया है पर कोई क्लियर नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है। तो हम अभी इसमें देख लेते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ से, ये तो हमारा ग्राउंड का पॉइंट हुआ, ये भी ग्राउंड पर है। तो अभी हम इसको देखते हैं इस सिग्नल पॉइंट को कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो देखिए ये हमारा एक कंपोनेंट लगा यहाँ, तो यहाँ ये पूरी तरह से ठीक है। इसके बाद इस साइड से देखते हैं, इस साइड से पॉइंट निकलता है तो अभी इस साइड से भी ठीक है। फिर हमारा इस साइड आता है तो हमारा एक भी पॉइंट ठीक है। फिर जाके आगे एक ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ तक पॉइंट बराबर आ रहा है। अब देखना है कि आईसी तक हमारा, इस आईसी तक हमारा पॉइंट आता है या नहीं। देखिए हमारा जो ब्लैक कलर का जो रेजिस्टेंस है तो वहाँ पर पूरी तरह से पॉइंट बता रहा है। अब इसके आगे तक देखेंगे, आगे हमारा यहाँ जाता है, फिर हमारा यहाँ से लौट के ये यहाँ से आता है, फिर हमारा इस ब्लैक पॉइंट पर हमारा पॉइंट आता है। तो देखिए यहाँ भी हमारा पॉइंट है और इसके बाद हमारा इस पर आता है। तो देखिए अभी इस पर हमारा कोई पॉइंट नहीं है, इसके बाद कोई पॉइंट, इस पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। इसके बाद हमारी रीडिंग यहाँ पर आनी चाहिए तो हमारा सिग्नल आएगा। अच्छा एक बार हम इसको ग्राउंड करके इस साइड से देखते हैं यहाँ तो आ रहा है या नहीं। देखिए इस पर भी नहीं आ रहा है, तो लगता है यही वाला कंपोनेंट खराब है और इस लेन में भी कोई मसला है। तो हम इस लेन को मसला, एक जंपर लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, तो एक इस साइड से देखिए, इस साइड हमारा पॉइंट आ रहा है, कुछ हमारी इस साइड से रीडिंग आ रही है। तो देखिए इस वाले कंपोनेंट के इस साइड से हम एक जंपर लगाएंगे और जंपर हम कहाँ पर, इस जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट पर एक जंपर लगा देंगे, फिर देखते हैं इसमें हमारा सिग्नल आता है या नहीं। चलिए तो हम फटाफट अब एक इस साइड से एक जंपर लगा लेते हैं। देखिए जो टेक्नीशियन ने कोई काम किया है तो उन्होंने यहाँ से पॉइंट तो चेक किया है पर वहाँ से उनको ये पता नहीं चला कि कंपोनेंट ख़राब है, इसलिए हमारा कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया था कि इस पॉइंट पर किसी ग्राउंड से एक जंपर दिया था, तो ग्राउंड टच होकर हमारा सिग्नल नहीं बनता। तो बीप तो उन्होंने कर दिया था लेकिन कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। तो हम क्या करेंगे कि अब इस आईसी से सिग्नल निकल रहा है तो इस कंपोनेंट के इस साइड से हम यहाँ पर एक जंपर कर देंगे, जिससे वजह से हमारा यहाँ पॉइंट आएगा, इस पॉइंट आएगा और हमारा सिग्नल, फिर हम इसको देखते हैं सिग्नल आ रहा है कि नहीं। चलिए तो हम फटाफट इस पर एक जंपर लगा लेते हैं।
देखिए दोस्तों, हमने तो देखिए दोस्तों, अभी हमने ये जम्पर पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो ये जम्पर यहाँ से यहाँ तक हमने लगा दिया है। अब इस पे देखते हैं बीप आता है या नहीं, फिर इसके बाद हमको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों हम इसके बीप को चेक करते हैं, इसकी रीडिंग को भी चेक कर लेते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों ये हमारी रीडिंग आने लगी है, पूरी परफेक्ट रीडिंग आने लगी। उसका मल्टीमीटर के साइड हम आपको दिखाते हैं कि क्या अभी इस पर रीडिंग आ रही है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अभी ये भी देखते हैं इस पर कोई रीडिंग है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी रीडिंग आने लगी है और हम इसके सिग्नल को देखेंगे, हमारे सिग्नल आते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप जम्पर देख सकते हैं कि मैंने कहां कहां से किस पर लगाया है। आप देखिए, ये जो जम्पर है हमारा, ये हमारा इस पॉइंट से मैंने यहां पर टच किया है ताकि इस रेजिस्टेंस से होते करंट यहां पर जाएगा, यहां से यहां और इससे इस कंपोनेंट से आके हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा और हमारे ग्राउंड पॉइंट के साथ रिचार्ज करके सिग्नल को प्रोवाइड करेगा। देखिए, हम सेट को फटाफट ऑन सेट करके इसमें देखते हैं, सिम डाल के क्या डिफरेंस हो। तो दोस्तों, हम इसमें फटाफट सिम लगा लेते हैं और इसको चेक करेंगे अभी सिग्नल हमारे आते हैं या नहीं। तो देखिए, दोस्तों अभी सर्च पॉइंट पर है, इसको देखते हैं सिग्नल आता है या नहीं। अभी भी देखिए, इसमें आपातकालीन बता रहा है, अभी किसी प्रकार का सिग्नल प्रोवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ का जो पत्ती फ्रेम होता है अभी ये उठ के रखा है। तो हम यहाँ एक स्क्रू लगा देते हैं और इसके बाद देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसे यहाँ स्क्रू लगाया है, क्योंकि जो प्लेट है और ये पत्ती है ये आप इसमें टच होनी चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रू लगाया हमारा सिग्नल आ गया है। देखिए आइडिया के सेम और टावर आ रहा है। तो जहाँ पर हमारे पेयरिंग करते हैं यहाँ पर सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए आपका ये हमारा आप सिग्नल आ रहा है इसमें, तो बराबर ये सिग्नल आएगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो आपको, जानकारी लाइक कर सकते।